पार्लियामेंट की तरफ उंगली करके इस तरीके से उन्होंने बोला था कि देख लेना एक दिन एक साधु संतों आएगा, का गोलियां कान चलवाएंगे। तड़प वो रहे थे। जो सीन था ना वो इतना भयानक था, मैं हर एक चीज को प्रूफ के साथ यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाऊंगी। जय माँ काली दोस्तों, ये जो वीडियो है ये श्राप के ऊपर है कि हमारे जीवन में श्राप काम करते हैं या नहीं करते। हम एक आम भाषा में अगर बोलें तो लोगों के मन से जो बद्दुआएं निकलती हैं या हमने कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से सामने वाले की सोल को पेन होता है, वो एक बोलते हैं ना अंदर तक टूटता है, दुखी होता है या अपनी पूरी जिंदगी भर सफर करता है, तो उसकी वजह से जो आह निकलती है, तकलीफ निकलती है या बद्दुआ निकलती है, जो उसको हम श्राप बोलते हैं, जो भी निकलता है उसको हम श्राप बोलते हैं। अब देखो लोग एक चीज बोलेंगे कि श्राप, आपको कैसे पता श्राप होता है, ठीक है, आपको कैसे पता पास्ट लाइफ होती है। पहली बात तो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट लाइफ ही आपके प्रेजेंट को मतलब डिसाइड करने वाली होती है, क्योंकि हमारा जो जन्म है, जो हमको ये जीवन मिला है, वो हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिला है। क्यों हमको बताया गया है 84 लाख योनियां पार करके एक इंसान का जन्म मिलता है, एक सोल को ह्यूमन फॉर्म मिलती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत पिछले जन्मों के ना बहुत सारे जन्मों के अच्छे कर्मों का मतलब कहते हैं ना निचोड़ होता है जब आपको एक ह्यूमन फॉर्म मिलती है। और अब जब हम ह्यूमन फॉर्म पा लेते हैं तो हम इसका इतना मिसयूज करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कोई नकार नहीं सकता, जिसको कोई ये नहीं बोल सकता कि ये मनगढ़ंत कहानी है, या हम कैसे बिलीव करें चीज़ें ऐसी होती हैं या नहीं। मैं हर एक चीज़ को प्रूफ के साथ यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाऊंगी, विच इज़ वेरी कॉमन, एवरी वन नोज, इवन गूगल नोज इट। इफ़ यू वॉन्ट टू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक यू कैन रिसर्च ऑन गूगल, थिंग्स आर अवेलेबल। और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1966 की बात है, और 1966 में जो श्राप इंदिरा गांधी को करपात्री महाराज ने दिया था, आज हम लोग उसी श्राप के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बता देना चाहती हूँ, यहाँ मेरा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं किसी और पार्टी के साथ हूँ। मैं भारतवर्ष की जो भी सरकार आएगी उस सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के अंदर ही मैं काम करूँगी। तो यहाँ पर कोई अगर ये समझे और अपनी भावनाओं को चोट पहुँचाए तो उससे पहले ही मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पर मेरा किसी की भावनाओं को आहत करने का या नुकसान पहुंचाने का या उनको चोट पहुंचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ ये टॉपिक इसीलिए लेकर के आई हूँ कि हम लोगों को हमारी नॉर्मल लाइफ में, देखो हम लोग जब परिवार में रहते हैं ना, हम लोग जाने अनजाने में अपने परिवार वालों का दिल दुखाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। हम वर्क प्लेस पर काम करते हैं, जाने अनजाने में वर्क प्लेस पर हमसे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो मेरा सिर्फ एक अवेयरनेस लेके आने का मतलब है कि लोग ये समझें कि हमारा हर एक कर्म मैटर करता है, हमारे कर्मों को जोड़ता है, हमारे जीवन में अगर आशीर्वाद है तो श्राप भी है, दुआ है तो बददुआ भी है। तो हमको किस तरीके के एक्ट्स करने चाहिए, हमको अपनी जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए, अपने आने वाले जनरेशन्स में किस तरीके के संस्कारों को एम्बाइब कराना चाहिए, सिर्फ इसका उद्देश्य यही है। इसके लिए मैंने ये उदाहरण के तौर पर लिया है जिससे कोई ये ना बोल पाए कि इस पर्टिकुलर फैमिली का आपने एग्जाम्पल दिया, हम तो उसको जानते नहीं है, इस चीज़ को दुनिया जानती है। इसके लिए मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ। अब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, 1966 में ये जो गौ हत्या बंदी आंदोलन चला था, जहाँ पर दुनिया भर के संत आ गए थे, वो ये चाहते थे कि गौ हत्या भारतवर्ष में ना हो, क्योंकि हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास है, वो पूजनीय है। गौ मूत्र पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारी शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, गोबर से घर लीपा जाता है जिससे हम शुद्धि या फिर शुद्ध वातावरण हम पा सकें। जब हम हवन करते हैं तो वहाँ पे हम उपलों का प्रयोग करते हैं। गौ माता का जो गोबर है वो जब इतना पवित्रता की निशानी है जो पूजा में यूज होता है, तो गौ माता तो खुद ही दूध देती हैं हम लोगों को लालन पालन करने में। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, सबसे पहला फूड क्या होता है किसी भी बच्चे का, माँ उसको अपना दूध पिलाती है, वो प्रथम उसका आहार होता है। इसी तरीके से गाय दुनिया के हर इंसान को दूध देती है, तो वो गौ माता इसलिए कही गई है, वो संसार की माता है। अब जब गौ माता की हत्या
को बंद करने की बात हुई और उस चीज़ को माना नहीं गया तो ये आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नाम था 1966 में स्टार्ट हुआ था और इसका नाम था गौ हत्या बंदी आंदोलन। और करपात्री महाराज बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इसमें। दुनिया भर के संत जुड़े, जगह जगह से लोग आए, आदमियों ने, औरतों ने, बच्चों ने, हर तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस वक्त जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया और जो मतलब रोकने के या जो प्रोटेस्ट करने के लिए जब पार्लियामेंट के सामने बहुत सारे संत, बहुत भीड़ आ गई थी तो क्या किया गया, संतों पर गोलियां चलवाई गई, गायों पर गोलियां चलवाई गई, हत्या हुई। चारों तरफ ऐसा मंजर था कि हर तरफ ह्यूमन मतलब बॉडीज थी, इतनी ब्रूटली उनको मारा गया था, पूरा चारों तरफ भरा पड़ा था। और उनकी गोदी में, करपात्री महाराज की गोद में जो लोग पड़े हुए थे, कुछ घायल थे, तड़प रहे थे दर्द से, गाय तड़प रही थी, इंसान तड़प रहे थे। वो जो सीन था ना वो इतना भयानक था। जलियांवाला बाग का जो कांड है ना वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बताते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा सोशल स्टडीज में, लेकिन ये वाला जो कांड है ना ये किसी बुक में, किसी भी सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ये कोई जलियांवाला बाग से कम नहीं था। यहाँ पर भी उतनी ही ब्रूटैलिटी से संतों की हत्या की गई थी। तभी करपात्री महाराज ने पार्लियामेंट की तरफ उंगली करके इस तरीके से उन्होंने बोला था कि देख लेना, एक दिन एक साधु आएगा जो भगवा रंग के कपड़ों में तो नहीं होगा, सादा कपड़ों में होगा, दिखता नहीं होगा, लेकिन वो साधु होगा और वो कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बोली, गोपाष्टमी के दिन तुम्हारा पतन होगा। अब गोपाष्टमी क्या है? गोपाष्टमी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उसको गोपाष्टमी बोलते हैं, क्योंकि नंद बाबा ने उस दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पहली बार गाय चराने के लिए भेजा था। और ये जो पर्व है ना ये इतने धूमधाम से गोकुल में मनाया गया था, इसके लिए इस पर्व का नाम गोपाष्टमी रख दिया गया। अब आप उठा करके देखो अपना इतिहास, आप पाओगे उन्होंने जो ये श्राप दिया था, गोपाष्टमी के दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। करपात्री महाराज ने एक बात और बोली थी कि जिस तरीके से गोलियां बरसाई हैं तुमने मासूम संतों पर और इन मासूम गायों पर, तुम्हारा भी अंत इसी तरीके से होगा और गोपाष्टमी के दिन तुम्हारा पतन होगा। तो आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 वॉज द डेट वेन श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। उस दिन दिन कौन सा था? कार्तिक माह चल रहा था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी जिसको गोपाष्टमी बोला जाता है। तो यहाँ उनका दिया हुआ श्राप फलीभूत हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी, राजीव गांधी वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड ऑन 21 मई 1991। उस दिन क्या दिन था? उस दिन ज्येष्ठ माह, जो ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष की अष्टमी ही थी उस दिन, लेकिन उस दिन कार्तिक माह की थी जिस दिन इंदिरा गांधी जी का हुआ था, और राजीव गांधी जी का जिस दिन हुआ था वो ज्येष्ठ माह की थी, लेकिन थी वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो श्राप दिया गया तो वो श्राप, जो लोग बोलते हैं ना कि किसी किसी के बद्दुआ देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बद्दुआ देने से और दुआ देने से दोनों से ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सामने वाले ने हमको दुआ दी, हम बहुत खुश होकर अपने घर आ गए और हमने उसको मान लिया। बद्दुआ भी उतना ही असर करती है हमारे जीवन में जितनी की दुआएं। अगर दुआएं लगती हैं तो बद्दुआएं भी लगती हैं। ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है जो उन्होंने बोला करपात्री महाराज ने, और ये चीज लागू हो गई। उसके बाद अगर आप उनकी डेथ देखो, क्योंकि गोलियां बरसा करके उन लोगों को मारा गया था, संतों को, गायों को मारा गया था, ठीक है, तो उन्होंने बोला था इसी तरीके से होगा। तो राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का आप देखो, गोली लग करके प्लेन क्रैश में, ब्लास्ट में, उसी तरीके से उन लोगों की हत्या की गई या उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप अपने जीवन में कोई भी कृत्य करो तो 100 बार सोचो कि हमारे इन कर्मों का जो फल है ना वो हमको नहीं, हमारे आगे आने वाली लीनेजेस को भी भुगतना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, इंदिरा गांधी जी के एक फैसले से वो सब हुआ, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो गया। करपात्री महाराज ने उनको श्राप भी दे दिया, लेकिन
आपकी लीनेज भी उस श्राप के अंदर आ गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी दुआएं और बददुआएं वो आप तक सीमित रह जाएंगी, वो आपकी लीनेजेस तक जाती हैं, आपकी लीनेज तक जाते हैं, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों तक जाते हैं। ये एग्जाम्पल देने के पीछे एक कारण ये था कि ये जो टॉपिक है या ये जो एक हादसा है जिसको हम इतिहास का बहुत गहरा और काला एक अध्याय मानते हैं, वो सबको पता है, सबके सब इजीली उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था, क्या हुआ था, डेट्स मैच कर सकते हैं। वहीं अगर मैं कोई एक ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ, वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का होता जिसको सारी दुनिया नहीं जानती, तो फिर लोग उसको मतलब ऑथेंटिक नहीं मानते, लोग उसको सोचते कि कुछ भी बता दिया है, कंटेंट क्रिएट किया है। बट यहाँ कंटेंट की बात नहीं है, बात ये है अवेयरनेस की, बात ये है कि श्राप हमारे जीवन में किस तरीके से काम करते हैं और ये हमारी आने वाली जनरेशन्स तक जाते हैं। तो प्लीज़ जब कभी भी हम अपने घर में, अपने चार दीवारी में कुछ भी एक्ट कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, हम किसी मासूम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखें अपने कर्मों के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें आपको तो भुगतनी ही पड़ेंगी, साथ में आपके आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र होती जाएंगी। और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, ख़त्म करने के तरीके हैं, रेमेडीज़ हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग पूजाएं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, बहुत राम नाम जप करना पड़ता है। वाल्मीकि जी जो पहले उनका जो जीवन था, जहाँ उन्होंने बहुत लोगों की जान ली, उन्होंने मनुष्यों की हत्या की, उन सब चीज़ों में जो थे, उस पाप से निकलने के लिए, उस सिन से निकलने के लिए उन्होंने कितना राम नाम जप किया, कितना कितना ज़्यादा तपस्या की, और तब वो उस चीज़ से बाहर निकल पाए। तो आज की डेट में आम आदमी के बस में बहुत आसानी से नहीं है, और ना किसी के पास टाइम होता है। लोग ना क्या करते हैं, बोलते हैं आप पैसे ले लो, हमारा कर दो। भाई ऐसे नहीं होता है कि कोई पैसे लेके नहीं कर सकता है, अगर पाप आपने किया है ना तो उसका प्रायश्चित भी आपको करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, चौथे जन्म, आपके पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होती ही जाती है। और हम बोलते हैं कि ना हमारे कर्मों के फल हमारे बच्चों को क्यों मिले या हमारे आने वाले जनरेशन्स को क्यों मिल रहा है, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन लोगों ने भी ना सेम टाइप के एक्ट्स में वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उनका जन्म ही उस ब्लड लाइन में होता है जहाँ वो ऑलरेडी श्राप चल रहा है, एंड दे आर गेटिंग इन टू द ट्रैप ऑफ दैट श्राप, ट्रैप इन टू दैट कर्स। तो ये है श्राप। तो मेरा कहना सिर्फ एक यही है, जब भी जो भी काम करो, सोचो, समझो और फिर करो। चाहे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आप बॉस हो, आपके पास वो अथॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने से नीचे वालों को एक्सप्लॉइट करो। इंसान, जब हमको ईश्वर ने इंसान का ये जो फॉर्म दिया है ना, ह्यूमन फॉर्म दिया है, तो इसकी इज्जत रखना हमारे हाथों में। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आगे के नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं इसी तरीके के टॉपिक्स लेके आऊँगी, जहाँ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कर्सेज, पास्ट लाइफ के कर्सेज हमारे इस प्रेजेंट में आते हैं, किस तरीके से हमको, मतलब जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ना, वो इस जन्म में क्रिएट की हुई तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जो एक आप देखोगे ना, एक एक ही परिवार में दो बच्चे पैदा हुए हैं, ट्विंस भी ले लो, अगर आप एक एग्जाम्पल लेना चाहते हो किसी ट्विंस का, तो टेक एग्जाम्पल ऑफ अ ट्विंस। ट्विंस हुए हैं, कुछ सेकंड्स के गैप से हुए हैं, कुंडली भी नहीं बदली है, सेम है, सब कुछ सेम है, बट स्टिल देयर डेस्टिनी इज डिफरेंट। वाई, क्यों क्यों उनकी डेस्टिनी डिफरेंट है? कुछ तो उन्होंने, अब जब बोलते हैं ना लोग कि कोई पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, अगर कोई पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है या पास्ट लाइफ कुछ मैटर नहीं करती है, तो एक ही माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद, एक ही स्कूल में जाने के बाद, एक ही परिवार में पलने के बाद, एक ही लग्न लेने के बाद, एक ही तरीके के प्लैनेट्स लेने के बाद, मैं D1 की बात कर रही हूँ, लग्न चार्ट की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट D60 और D30, बट मैं बोल रही हूँ कि वो जो एक मोटा मोटा बाहर से जो देखोगे चीज़ें, वो एक जैसी क्यों है, क्यों, मतलब सब कुछ एक जैसा है बट उनका जीवन बहुत अलग है, बहुत अलग। अगेन द पास्ट लाइफ कर्मा हैज कम ओवर हियर, आपके पिछले जन्म के कर्म है, किसी को सुख मिलना है और किसी को दुख मिलना है। ठीक है, कोई बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी है, तो ये सब हमारे कर्मों का खेल है। तो हमेशा अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना है, जो हमने पास्ट में कर दिया वी कैन नॉट चेंज इट, बट इन द प्रेजेंट और इन कमिंग फ्यूचर हम उन सब चीज़ों को
हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कर्मास को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आने वाली जनरेशन्स को अवेयर कर सकते हैं कि उनको किस तरीके का कर्म करना चाहिए, किस तरीके का रास्ता चुनना चाहिए कि उनके जीवन में और उनकी जो पीढ़ियाँ आएंगी उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।